हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में एक ऐसे सब्जेक्ट की जो आज के टाइम पे बहुत फेमस होता जा रहा है, और वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। आज के टाइम पे कई कॉलेजेस इस पे कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आखिर इंटरनेशनल रिलेशंस इतना फेमस हुआ कैसे और क्या रीजंस थे? सबसे पहला रीज़न था दो वर्ल्ड वॉर। शायद इंटरनेशनल रिलेशंस में फेलियर ही था जिसका नतीजा था दो वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें शायद जर्मनी की भी गलती थी और ब्रिटेन की भी गलती थी, और साथ में ये ऑटोमन एम्पायर की इंटरनेशनल रिलेशंस में फेलियर थी कि जिसके कारण बाद में ऑटोमन एम्पायर ही बर्बाद हो गया। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर इंटरनेशनल रिलेशंस में पहले अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण वो वर्ल्ड वॉर टू हार जाता है और सुसाइड करना पड़ जाता है उसको। हमने कोल्ड वॉर में भी देखा, अगर कंट्रीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते तो शायद वो कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर थ्री में चेंज हो जाता, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। बहुत सारे बड़े देश इस बारे में बात करते हैं कि शायद कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर थ्री में चेंज हो सकता था। तो आज के टाइम पे ये इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस का, और अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे सीरीज़ लेके आने वाले हैं। अब प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।